जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपनी इंडियन एयरफोर्स के बारे में। इंडियन एयरफोर्स के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप SSB इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार हमें SSB में इंडियन एयरफोर्स या आर्म फोर्सेज के बारे में कितनी नॉलेज होनी चाहिए, डीप में होनी चाहिए कि थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे चल जाएगा। मेरा मानना ये है कि अगर आप इंडियन एयरफोर्स की SSB के लिए जा रहे हैं, दैट इज़ AFSB, तो आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जब आप बोलते हैं कि आप पैशनेट हैं फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए, तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए हर एक फील्ड के बारे में, उसके नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि आई एम पैशनेट फॉर ज्वाइनिंग दीज फोर्सेस, बट आपको बेसिक क्वेश्चंस उस फोर्सेस के बारे में नहीं पता है। जैसे कि मैं आपको एक बताऊं कि मैं जब अपना रिसेंटली AFSB इंटरव्यू देने गया था, तो मुझसे इंडियन एयरफोर्स के बारे में पूछा था। तो एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि जो हमारी फर्स्ट स्क्वाड्रन थी, स्क्वाड्रन में हमारे कौन से एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया गया था। तब मुझे इसके बारे में पता नहीं था, जो कि वेस्ट एंड वापिती होते हैं। मैं सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको जब ये बेसिक क्वेश्चंस नहीं पता होते हैं, जो कि आराम से आपको पता होना चाहिए और आपको उसके जवाब वहाँ पे देने चाहिए, इससे आपको कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ इंडियन एयरफोर्स के बारे में। और आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो पायलट्स हैं कितने शानदार लग रहे हैं, आप इस यूनिफॉर्म में अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करूंगा, इंडियन एयरफोर्स एक एयर आर्म है इंडियन आर्म फोर्सेस की। और अगर इसके पर्सनल और एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड फोर्थ रैंक्ड होती है। और आपने रिसेंटली सुना होगा कि इंडियन एयरफोर्स ने चाइना को पछाड़ दिया है। और अगर WDMMA अगर इसकी रैंकिंग के हिसाब से जाए, तो इंडियन एयरफोर्स अब थर्ड रैंकिंग में आ चुकी है। WDMMA स्टैंड फॉर वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, और इसमें हम लोगों ने अब चाइना को पछाड़ दिया है। इसकी अगर और जानकारी चाहिए आपको तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। चलो अब और भी बात करते हैं कि जो इंडियन एयरफोर्स होता है उसका प्राइमरी मिशन क्या होता है। टू सिक्योर इंडियन एयर स्पेस और कंडक्ट एरियल वॉरफेयर ड्यूरिंग द आर्म्ड कंफ्लिक्ट। आपने देखा होगा, चाहे वो 1947 का इंडो पाकिस्तान वॉर हो, 1965 का वॉर हो, या वेरियस ऑपरेशंस हो, उसमें इंडियन एयरफोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के पार्ट लेती है और इंडियन आर्म फोर्सेज को बहुत अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। अब बात करते हैं इसके एस्टेब्लिशमेंट के। इट वॉज ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड ऑन 8th of October 1932। तो ये जो 8th of October था 1932, यहाँ पे रॉयल इंडियन एयरफोर्स को एस्टेब्लिश किया गया था। और जो इसकी फर्स्ट स्क्वाड्रन थी वो बनी थी 1st of April 1933। और इसकी जो फर्स्ट स्क्वाड्रन थी उसको नंबर वन स्क्वाड्रन कहा जाता था। और इसका जो बेसिक निकनेम था वो था टाइगर्स। तो ये भी पूछ लेते हैं कि जो फर्स्ट स्क्वाड्रन थी उसका निकनेम या उसको दूसरे नाम से क्या जानते थे, तो आप बता सकते हैं ये टाइगर्स के नाम से जाना जाती थी। और जो हमारे एयरक्राफ्ट थे जो हमने इंडक्ट किए थे सबसे पहली स्क्वाड्रन में, वो थे वेस्टलैंड वापिती बाइप्लेन्स। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था गुवाहाटी AFSB में मुझसे, और ये क्वेश्चन मैं बता नहीं पाया था। तो बहुत ही कॉन्फिडेंस लो हो जाता है अगर आप ये बेसिक क्वेश्चंस नहीं बता पाते हैं। तो ज़रूर से आप ये सब अच्छे से डिटेल में प्रिपेयर कीजिए, ताकि आपको ये सारे सवालों में प्रॉब्लम ना हो। और हमारे जो फर्स्ट स्क्वाड्रन में पायलट्स थे वो थे 5 इंडियन पायलट्स। और जो अगर हम IAF के मिशन के बारे में बात करें, ये डिफाइन किया जाता है बाय आर्म्ड फोर्सेस एक्ट 1947, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और द एयरफोर्स एक्ट 1950। तो अब बात करते हैं, जो 8th ऑफ अक्टूबर 1932 था वहां पे हमारी बनी थी रॉयल इंडियन एयरफोर्स। फिर हम लोग 1947 में आजादी मिल जाती है, और फिर 1950 में हम लोग डोमिनियन से रिपब्लिक में चेंज हो जाते हैं। तो हमारी 26 जनवरी 1950 को इसको हम लोग रॉयल हटा देते हैं और इंडियन एयरफोर्स बन जाती है। तो हम अगर इयर्स काउंट करें तो 72 इयर्स अगो हमारी इंडियन एयरफोर्स एस्टेब्लिश हुई थी, जो आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं। हमारा जो इंडियन एयरफोर्स है उसका रोल है एरियल वॉरफेयर। और अगर करंट पर्सनल और एक्टिव पर्सनल और रिजर्व पर्सनल की बात करें, तो 1,70,576 एक्टिव पर्सनल है हमारे पास, और 1,40,000 रिजर्व पर्सनल है। और एयरक्राफ्ट की बात करें तो 1,926 प्लस एयरक्राफ्ट है हम लोग के पास। और हम लोग और भी हम लोग फ्यूचर में इंडक्ट करने की सोच रहे हैं। और हम लोग, आपने देखा होगा कि इंडियन गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि हम इंडिजिनस एयरक्राफ्ट बनाए, लाइक तेजस, LCA तेजस और हाल ध्रुव। तो ये सब हम लोग इंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पार्ट है इंडियन आर्म फोर्सेस का। और अगर इसके हेडक्वार्टर्स की बात करूँ तो इंटीग्रेटेड डिफेंस हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू दिल्ली, यहीं पर हमारे नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों का इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर है। अगर हम लोग मोटो की बात करें, ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हम लोगों से पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में कि इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है, नभः स्पर्शम दीप्तम। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो टच द स्काई विद ग्लोरी। ये हमारा लिया गया है भगवत गीता से। और हमारी जो एयरफोर्स डे होता है वो मनाया जाता है 8th of October को, क्योंकि हमारी जो एयरफोर्स थी वो एस्टेब्लिश हुई थी 1932 8th of October।
अब कुछ पर्सन की बात करते हैं जो इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे जो कमांडर इन चीफ हैं वो हमारे हैं प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, और ये हमारी हर आर्म फोर्सेस की ब्रांच के प्रेसिडेंट और कमांडर इन चीफ कह सकते हैं आप। और जो हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं वो अभी हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। ये जो एयर चीफ मार्शल है ये एक फोर स्टार रैंक है, और ये जो PVSM है, AVSM है, VM है, ADC है। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट मेडल और एरिया डिफेंस काउंसिल। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा। और अगर अभी हम लोग वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करें तो वो है एयर मार्शल संदीप सिंह, PVSM, AVSM, MVM। ये जो एयर मार्शल है ये हमारा 3-स्टार जनरल रैंक है। अब नोटेबल कमांडर्स की बात करते हैं। मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह, ये हमारी जो अर्जन सिंह साहब थे ये 5-स्टार जनरल थे। ये एक सेरेमोनियल रैंक या पोजीशन आप कह सकते हो। जनवरी 2002 में इनको ये रैंक दी गई थी। एयर चीफ मार्शल प्रताप चंद्र लाल और एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि ये हमारे फर्स्ट नेटिव चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे, तो इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने कौन कौन से ऑपरेशंस में, कौन कौन सी कॉन्फ्लिक्ट में पार्ट लिया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही पूछ लिया जाता है कि कहाँ कहाँ, आप मुझे 5 ऑपरेशंस बताइए या 5 वॉर्स बताइए जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने पार्ट लिया था। तो पहला हो गया वर्ल्ड वॉर 2, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1947 में इंडो पाकिस्तानी वॉर, कॉन्गो क्राइसिस, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय वही वाला था जिसमें गोवा में हम लोगों ने लिबरेट कराया था 1961 में पोर्चुगल के ऑक्यूपेशन से। फिर आता है इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1965, ऑपरेशन कैक्टस हो गया, कैक्टस लिली। ये हमारा था, ये हम जब हम लोग ने मालदीव को होने वाला था तो हमने वो प्रिवेंट कर दिया था। बैटल ऑफ बोयरा हो गया, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हो गया, इसमें इंडियन एयरफोर्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है इंडियन एयरफोर्स ने कैसे टैकल किया था पाकिस्तानी एयरफोर्स को ड्यूरिंग 1971 वॉर। ऑपरेशन मेघदूत अपना हो गया सियाचिन ग्लेशियर वाला, जो 1984 में कंडक्ट कराया गया था, जिसकी वजह से हमारे पास सियाचिन ग्लेशियर अभी इंडिया के ही अंडर में है। ऑपरेशन पूमालाई हो गया, ये हमारा श्रीलंका में जब सिविल वॉर चल रहा था 1988-87 के टाइम पे, वहाँ पे हमारी इंडियन एयरफोर्स ने कैसे ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की थी उसकी बात करता है। ऑपरेशन पवन हो गया, ऑपरेशन कैक्टस हो गया, करगिल वॉर हो गया, करगिल वॉर में हम लोगों ने ऑपरेशन किया था, सफ़ेद सागर किया था, उसमें हम लोगों ने जो हाई पॉइंट्स पे पाकिस्तानियों ने पोजीशन ग्रैब कर ली थी वहाँ पे हम लोगों ने टारगेट किया था। फिर आता है पाकिस्तानी नेवी अटलांटिक शूट डाउन। फिर ये जो आता है ना 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक, ये आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस था। इसमें मिराज 2000 फाइटर्स हमारे यूज किए गए थे। ये इसका जो ऑपरेशन था उसका कोड नेम था ऑपरेशन बंदर। इंडो पाकिस्तान बॉर्डर स्कर्मिशेस आपने सुना होगा, जब हमारा पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद हम लोगों ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप्स पे अटैक किया था। तो उसके बाद डॉग फाइट हुई थी बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तानी फाइटर जेट्स, उसमें हमारे जो विंग कमांडर अभिनंदन थे उन्होंने बहुत ही जाबाजी से F-16 को मार गिराया था, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। 2020 चाइना इंडिया स्कर्मिशेस और ऑपरेशन गंगा, आपने रिसेंटली सुना होगा कि जब इंडो वो रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था वहाँ पे हमारे इंडिया के बंदे स्ट्रैंडेड हो गए थे, तो उनको यूक्रेन से सेफली निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा लॉन्च हुआ था और इंडियन एयरफोर्स ने उनको वहां से सेफली निकाला था। दोस्तों अब बात करते हैं हेडक्वार्टर्स के बारे में, जो हमारी कमांड्स होती हैं इंडियन एयरफोर्स में। 5 हमारी ऑपरेशनल कमांड्स हैं और 2 फंक्शनल कमांड्स हैं। और ये जो हमारी ऑपरेशनल कमांड्स होती हैं ये हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए रखी जाती हैं, और जो फंक्शनल कमांड्स होती हैं वो कॉम्बैट रेडीनेस को चेक करने के लिए बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी वेस्टर्न कमांड के बारे में, जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। फिर ईस्टर्न कमांड के बारे में बात करते हैं, शिलोंग में जो सिचुएटेड है। फिर आती है साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, जो कि हमारी गांधीनगर में है। सेंट्रल कमांड, जो कि हमारी प्रयागराज में है। नागपुर में हमारी है मेंटेनेंस कमांड, और ट्रेनिंग कमांड है हमारी बेंगलुरु में। और हमारी जो सदर्न एयर कमांड है वो है थिरुवनंतपुरम में। तो हमारी ये 5 कमांड्स हो गई और 2 फंक्शनल कमांड्स हो गई। अब हम लोग इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि हमसे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये जो कमांड्स होती हैं, विंग्स होते हैं, स्टेशंस होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, कौन किसके अंडर में आता है। तो सबसे टॉप पे रहता है कमांड, और जो कमांड्स होती हैं उनको कमांड करता है एयर मार्शल, जो कि एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कहलाता है। और उसके कमांड्स के अंडर में आते हैं विंग्स, और जिसको कमांड करता है एयर कोमोडोर। ये ब्रिगेडियर के रैंक के बराबर होते हैं अगर हम आर्मी से कंपेयर करेंगे। और इट जनरली कंसिस्ट ऑफ 2-3 IF स्क्वाड्रंस एंड हेलीकॉप्टर यूनिट्स और फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट्स। अगर FBSUs के बारे में आप नहीं जानते तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। फिर विंग्स के अंडर में आते हैं हमारे
स्टेशन कमांड किए जाते हैं ग्रुप कैप्टन द्वारा, ये इक्विवेलेंट होता है कर्नल के रैंक के। और अ स्टेशन टिपिकली हैज वन विंग और वन और टू स्क्वाड्रंस असाइन टू इट। अब मैं स्क्वाड्रंस के बारे में बता देता हूँ, आपको लग रहा होगा कि ये स्क्वाड्रंस क्या होती है। स्क्वाड्रंस में क्या रहता है, हमारे 18 एयरक्राफ्ट रहते हैं, उसको हम वन स्क्वाड्रन कहते हैं। फिर स्टेशन के नीचे हमारी जो आ जाती है स्क्वाड्रंस और यूनिट, इसका जो कमांडिंग ऑफिसर होता है वो रैंक होती है विंग कमांडर की। आपने सुना होगा विंग कमांडर अभिनंदन, जो पाकिस्तान में हमारे F-16 को उन्होंने गिरा दिया था, तो वही कमांड करते हैं स्क्वाड्रंस को और यूनिट्स को। और ये विंग कमांडर इक्विवेलेंट होता है लेफ्टिनेंट कर्नल के इन द आर्मी। अ फाइटर स्क्वाड्रन कंसिस्ट ऑफ 18 एयरक्राफ्ट, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको ये पता ही होना चाहिए कि स्क्वाड्रन में कितने एयरक्राफ्ट होते हैं। फिर आता है फ्लाइट्स, जिसको कमांड किया जाता है स्क्वाड्रन लीडर के द्वारा, और ईच फ्लाइट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन। उसके बाद आता है सेक्शन, सेक्शन सबसे छोटी यूनिट होती है जो लीड की जाती है फ्लाइट लेफ्टिनेंट के द्वारा, ईच सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 एयरक्राफ्ट। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा इंडियन एयरफोर्स का स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रैंक स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है बहुत बार, और अगर ये क्वेश्चन अगर आप ना बता पाओ तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो हम लोग एक पहले ऑफिसर्स की रैंक के बारे में बात करते हैं। जब हम लोग एयरफोर्स अकेडमी या ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो हमें सबसे पहले रैंक पे भेजा जाता है या कमीशन किया जाता है, वो होती है फ्लाइंग ऑफिसर, फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कॉमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल और मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, जो कि हमारे अर्जन सिंह है। ये अभी तक एक ही बार पोजीशन दी गई है और वो भी अर्जन सिंह जी को दी गई है। और आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी जो इक्विवेलेंट रैंक है वो दूसरी आर्म फोर्सेस की ब्रांचेस में किसके इक्वल है, जैसे जो जनरल है वो एडमिरल के इक्वल है, और ये जो एडमिरल है एयर चीफ मार्शल के इक्वल है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ये आपके रिटर्न एग्जाम में भी हेल्प करेगा और एसएसबी में तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आप ये जो फोटो देख रहे हैं, आप सोचोगे ये मैंने किसकी फोटो लगाई है, ये है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिखों। इन्होंने जो 1971 वॉर था उसमें बहुत ही जाबाजी का शो किया था, और इन्होंने ये दो बंदे थे, लाइक एक तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट घुम्मन थे और फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिखों थे। और ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो फाइटर्स थे जो श्रीनगर फील्ड्स पे एयरफील्ड्स पे अटैक करने आए थे, उनको इन्होंने मार गिराया था। तो अभी तक ना 21 परमवीर चक्र दिए गए हैं, उसमें से 20 आर्मी के बंदों को दिए गए हैं, और एकमात्र परमवीर चक्र है जो एयरफोर्स को मिला है वो निर्मलजीत सिखों को, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिखों सर को दिया गया। तो अगर आपको इनके बारे में और डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब जूनियर कमीशन रैंक्स के बारे में बात करते हैं और नॉन कमीशन रैंक्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले नॉन कमीशन रैंक्स आती है एयरक्राफ्टमैन, फिर आता है लीडिंग एयरक्राफ्टमैन, कॉर्पोरल, सार्जेंट, और इसके इक्विवेलेंट भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद आता है जूनियर वारंट ऑफिसर JWO, वारंट ऑफिसर WO और वारंट मास्टर वारंट ऑफिसर, इसके इक्विवेलेंट आपको याद होना चाहिए। दोस्तों अब हम लोगों ने स्ट्रक्चर की बात कर ली, रैंक्स की बात कर ली, अब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में क्या क्या है, एयरक्राफ्ट्स क्या क्या हैं। क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा WDMMA, ये जो रैंकिंग होती है ये अपने एयरक्राफ्ट्स के ट्रांसपोर्ट, फाइटर कैपेबिलिटीज और अदर लॉजिस्टिक्स और इन सबको देख के बनाई जाती है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे पास जो एयरक्राफ्ट्स हैं। तो सबसे पहले मल्टी रोल फाइटर्स एंड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट्स की बात करते हैं। Su-30 MKI, ये हमारा रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट है और ये बैकबोन ऑफ इंडियन एयरफोर्स भी कहा जाता है, आप ये देख सकते हैं ये फोटो है। और इसके बाद आता है रफाल, जो कि हमने रिसेंटली परचेज किया है फ्रांस से, और अराउंड 36 एयरक्राफ्ट हमारे इंडियन एयरफोर्स में ये शामिल हो चुके हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा तेजस, ये जो हम इंडिजिनसली बना रहे हैं ये एयरक्राफ्ट, और ये हम लोगों ने ऑर्डर भी कर दिए हैं, अराउंड 83 एयरक्राफ्ट हम लोग इंडक्ट करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स में। फिर आता है MiG-29, जो कि आप इधर देख सकते हैं, फिर Mirage 2000 भी बहुत ही स्पेशल एयरक्राफ्ट है, ये भी हम लोग फ्रांस से लिए थे, और आपने सुना होगा बालाकोट एयर स्ट्राइक, उसमें हम लोगों ने Mirage 2000 यूज किए थे। उसके बाद आता है MiG-21, ये जो आप देख रहे हैं विंग कमांडर अभिनंदन साहब के पीछे जो खड़ा है, और ये जो MiG-21 है इसको हमारे जो एक्स चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे उन्होंने BS धनुआ जी, उन्होंने कहा था कि ये एक फ्लाइंग कॉफिन है, क्योंकि इसको बहुत साल हो चुके हैं हम लोगों ने इंडक्ट किया हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पास नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट ताकि हम लोग मेंटेन कर सकें नंबर ऑफ स्क्वाड्रंस को। तो ये हम लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हो जाता है, क्रैश कर जाते हैं, तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये फ्लाइंग कॉफिन के इक्विवेलेंट है, तो इसीलिए इसको ऐसा माना जाता है और इसको हम जल्द से जल्द रिप्लेस करने की इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ये इसका तो फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में, AVACS का फुल फॉर्म क्या होता है, और AVACS में हमारे पास है एम्ब्रियर ERJ-145, आप देख सकते हैं ये रहा। और फिर आते हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, सबसे पहले आता है C-130J, C-17 ग्लो मास्टर 3, ये जो शानदार आप देख रहे हैं विशाल का एयरक्राफ्ट है,
ये इतना अच्छा एयरक्राफ्ट है, मतलब इसकी जो कैपेसिटी है ट्रांसपोर्ट करने की तो बहुत ज़्यादा है। फिर आता है हमारा चिनू, ये हमारा अमेरिकन हेलीकॉप्टर है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये आप देख सकते हैं। फिर आता है IL-76 AN-32, ये मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। HS-748 डॉर्नियर आ गया अपना, ये डॉर्नियर हो गया। फिर बोइंग 737 हो गया, ERJ-135 हो गया, बोइंग 777 हो गया। आपने सुना होगा कि जो हमारे VVIPs होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक एयरफोर्स एयर इंडिया वन बना हुआ है, वो हमारे बोइंग 777 और ये सब ही होते हैं। अब बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर के बारे में। चिनूक CH-47 चिनूक मैंने आपको दिखाई दिया। उसके बाद आता है ध्रुव, ध्रुव हमारा जो है और रुद्र है। जैसे ये ध्रुव हो गया तो इसको अगर आप आर्म्ड कर दो, इसके इसमें वेपन्स इंस्टॉल कर दोगे तो हमारा रुद्र बन जाएगा, ठीक है। फिर आता है चेतक, चीता, आप ये सब देख सकते हैं यहाँ पे। फिर Mi-8 आता है, Mi-17 आता है, Mi-26 आता है। ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये हमारे रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं जब भी हम लोग आर्म कन्फ्लिक्ट में होते हैं या ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अटैक हेलीकॉप्टर्स की। उसमें आता है हाल LCH लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, आपने देखा होगा। ये जो आप एयरक्राफ्ट देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है, ये इंडिया की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स बना रहे हैं और इसी को इंडक्ट करने का प्लानिंग है। फिर आता है अपाचे AH-64, ये एयरक्राफ्ट डेडलीस्ट माना जाता है एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर के फील्ड में। ये आप देख सकते हैं, ये एक अमेरिकन हेलीकॉप्टर है और ये कॉम्बैट में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। Mi-25, Mi-35 आप ये देख सकते हैं, ये वाला Mi-25-35 है। रुद्र के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये ध्रुव का आर्म्ड वर्जन है। दोस्तों अभी तक मैंने आपको एयरक्राफ्ट की बात कर ली है, अब बात करते हैं ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के बारे में। क्योंकि कभी कभी क्या रहता है, हम लोगों को ये बोला जाता है कि अच्छा ठीक है आप रेकमेंड हो जाओगे, फिर आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे होगी, आपको इंस्टीट्यूट्स के बारे में पता है जहाँ पे आप जाओगे। तो सबसे पहले आता है एयरफोर्स अकेडमी डूंडीगुल, जिसमें ये हैदराबाद में है। तो मेरे कुछ दोस्त हैं वो एयरफोर्स का इंटरव्यू देने गए थे, वो फ्रेशर्स से पूछा जाता है कि आप ये बताइए एयरफोर्स अकेडमी कहाँ पर है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बैंगलोर में है, कर्नाटका में है, उनको कुछ स्पेसिफिक पता ही नहीं है। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, आपको मिनिमम चीज़ ये पता होना चाहिए कि एयरफोर्स अकेडमी में जाओगे और एयरफोर्स अकेडमी कहाँ पे है, डूंडीगुल हैदराबाद तेलंगाना में। इतना तो आपको सबसे बेसिक पता होना चाहिए। फिर जो फ्लाइंग ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, पायलट ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट एट अलाहाबाद। फिर आता है एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज एट कोयम्बटूर। फिर आता है एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बेंगलोर एट जलाहली। तो मैं बता देता हूँ, जैसे अब मेरा टेक्निकल है, मैं टेक्निकल ब्रांच के लिए तैयारी कर रहा हूँ एयरफोर्स की, ठीक है। तो मेरे से ये पूछा जा सकता है कि आपकी एयरफोर्स में अकेडमी में, एयरफोर्स अकेडमी में कितने वीक्स की ट्रेनिंग होगी, फिर मुझे टेक्निकल कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो एयरफोर्स अकेडमी में मेरी 22 वीक्स की ट्रेनिंग होगी, फिर उसके बाद मेरी 52 वीक्स की ट्रेनिंग होगी एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बैंगलोर एट जलाहली। उसके बाद बात करते हैं टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट एट ग्वालियर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि मैं ग्वालियर से हूँ। तो ग्वालियर के बारे में ये पता होना चाहिए, आप जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पे अगर किसी एयरफोर्स का स्टेशन है, एस्टेब्लिशमेंट है, तो आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। और ग्वालियर में जो एयरफोर्स स्टेशन है ना, वहाँ पे हमारा नंबर वन स्क्वाड्रन है, जिसको मैंने आपको अर्लियर में बताया था, जो कराची में फाउंड हुआ था। और उसमें जो एयरक्राफ्ट हैं वो हमारे मिराज 2000 और जिनको हम लोग टाइगर्स भी कहते हैं। फिर आता है पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल एट आगरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं इन फोटोज को, एयरफोर्स अकेडमी, AFTC और एयरफोर्स स्कूल एट कोयम्बटूर। तो आपको ये सब अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए, अगर आप कोई भी SSB देने जा रहे हो आपको डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, और इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके दोस्तों को हेल्प हो सके। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिव अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप ankur97yadav@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हैं, और अगर आपको टेक्स्ट पे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल श्योरली रिप्लाई। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में कर दीजिए, मैं आप उसके लिए डेडिकेटेड वीडियोस या रिजॉल्व कर दूंगा आपके डाउट्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।